रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में अभी तक कितने फॉर्म फिलअप हुए, जोन वाइज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, किस जोन में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप सभी के लिए बम्पर धमाका ऑफर आया है। वाईफाई स्टडी के सभी एजुकेटर अन अकेडमी प्लस पर स्पेशल लाइव कोर्स चला रहे हैं रेलवे की एग्जाम के लिए, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एक मंथ का प्लान चूज करते हैं तो आप को इस पर क्लिक करना होगा और इंटर रेफरल कोड में आपको ध्यान से आरआरबी स्टडी डालकर अप्लाई करना होगा और आपका जो प्लान का जो प्राइस है वो घटकर कम हो जाएगा 10%, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 16 आरआरसी का डेटा देखेंगे जो कि साइबर कैफे से लिया गया है और आज सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये डाटा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल आरआरसी वाइज फॉर्म फिलअप कितने हुए और वैकेंसी कितने हैं हर एक आरआरसी में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, नॉर्थन रेलवे दिल्ली में टोटल वैकेंसीज की संख्या है 13,153 और यहाँ पर फॉर्म फिलअप सबसे ज़्यादा हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, 7,14,348 फॉर्म अभी तक सुबह के 8 बजे तक फिलअप हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जोन है ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता, इसमें टोटल वैकेंसीज की संख्या है जैसा कि आप देख सकते हो 10,873 और इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं आज सुबह तक 4,51,293। या दोस्तों, 8 बजे के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो आपके फॉर्म फिलअप में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे होंगे। मुंबई बोर्ड की बात करते हैं तो 10,734 वैकेंसीज है, 3,63,112 फॉर्म फिलअप हुए। दोस्तों, चेन्नई बोर्ड की बात करते हैं जो कि साउथर्न रेलवे है, इसमें टोटल वैकेंसीज की संख्या 9,579, इसमें फॉर्म फिलअप हुए 4,90,432। मुंबई बोर्ड की बात करते तो यहाँ पर वैकेंसीज है 9,345, 4,20,340 फॉर्म फिलअप हुए। यहाँ पर नेक्स्ट जोन है सिकंदराबाद जोन, इसमें 9,328 वैकेंसीज है, 4,98,875 फॉर्म फिलअप हुए। दोस्तों, नेक्स्ट जोन की बात हम यहाँ पर करते हैं तो वो है हुबली जोन, यहाँ पर वैकेंसीज है 7,167 और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए 2,74,315। जयपुर बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज है 5,249 और यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए 4,72,819। कोलकाता बोर्ड की बात करते तो यहाँ पर वैकेंसीज है 4,914 और फॉर्म फिलअप हुए 1,73,463। नेक्स्ट जोन है अलाहाबाद जोन, इसमें वैकेंसीज की संख्या 4,730 और फॉर्म फिलअप हुए 4,36,148। जबलपुर बोर्ड की बात करते हो तो यहाँ पर 4,019 वैकेंसीज है, 2,75,143 फॉर्म फिलअप हुए हैं। गोरखपुर बोर्ड की बात करें तो 4,002 वैकेंसीज है, फॉर्म फिलअप की संख्या 2,66,358। हाजीपुर बोर्ड की बात करते तो 3,562 वैकेंसीज है और यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए 2,11,986। यहाँ पर हम बात करते गुवाहाटी बोर्ड की तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए 1,69,772 और वैकेंसीज है 2,894। दोस्तों, नेक्स्ट बोर्ड है जो कि भुवनेश्वर बोर्ड, इसमें टोटल वैकेंसीज है 2,555, फॉर्म फिलअप किए गए 1,66,871। नेक्स्ट जोन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि बिलासपुर है और इसमें टोटल वैकेंसीज है 1,664 और फॉर्म फिलअप किए गए 1,49,568। दोस्तों, अभी तक जो डाटा मिला है इसके हिसाब से जो सेफ जोन है वो है हुबली जोन साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसमें 7,167 वैकेंसीज के लिए 2,74,315 फॉर्म फिलअप हुए ओनली। या दोस्तों, और जो नेक्स्ट शेप जोन है जैसा कि आप देख सकते हो 10,734 वैकेंसीज के लिए मुंबई जोन में 3,63,112 फॉर्म फिलअप हुए। अगर इस जोन में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। या दोस्तों, यहाँ पर कोलकाता, दिल्ली, उसके बाद अलाहाबाद, ये एकदम डेंजर जोन में आए हैं। या दोस्तों, इस पर फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं जैसा कि आपने इस डाटा में देखा। टोटल 1,03,769 पदों के लिए अभी तक 55,34,843 फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है।
आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्ट पेपर की बुक मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी के पदों के लिए।